साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज कुछ नए टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं भाई, कि एक वीडियो मैंने डाला था 12 अप्रैल को। जी हां साथियों, 12 अप्रैल को एक वीडियो डाला था कि क्या दुबई गवर्नमेंट का एक सख्त रवैया था कि जो कंट्री अपने बंदों को वापस नहीं बुलाएगी उनको हम भविष्य में वर्क परमिट वीज़ा से रिलेटेड या फिर जो अग्रीमेंट है उस पर हम दोबारा से विचार कर सकते हैं। तो मैंने हेडिंग ये डाली थी कि क्या दुबई गवर्नमेंट की धमकी वीज़ा बंद करने की। तो मैं बता दूं साथियों, इसमें लगभग यानी 3 दिन के अंदर लगभग 18,000 लोगों ने इसको देखा, 100 के करीब इसमें कमेंट आए, 1200 लाइक आए और 50 अनलाइक डिसलाइक आए। अब 50 जो डिसलाइक आए उनमें से 15-10 बंदों की खुजली ऐसी होती है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वो कहावत आपने सुनी होगी। अब गलती तो इनकी है कि ये कम पढ़े लिखे हैं भाई, माइंड मत लेना, दूसरे जो लोग हैं उनके ऊपर नहीं है। सिर्फ यहाँ पे जो नेगेटिव कमेंट किए हैं, जो खुद की बुद्धि काम नहीं करती, उनके माँ बाप की गलती है कि उनको पढ़ा लिखा नहीं सके, या हो सकता है पढ़ाया लिखाया तो खुद नहीं पढ़ पाए। अब विदेश में जाके मजदूरी करना इनकी मजबूरी इंसान की होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास अगर दिमाग नहीं है तो दूसरों को तो मत दो ना। कुछ बंदे ऐसे हैं जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया इस वीडियो पे कि तू चूतिया बना रहा है, गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कुछ नहीं बोला कि हम वीज़ा आगे आने वाले वीज़ा बंद कर सकते हैं। इसी मैटर पे बात करेंगे साथियों, वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, पूरा वीडियो देखिए, 4-10 मिनट का हो, टाइम ज़रूर निकालिए आप प्लीज़ इस वीडियो के लिए खास तौर से, ताकि आप लोगों को ये जो बेवकूफ़ या तो इसका मतलब ये हो गया जो 18,000 लोगों ने 3 दिन में देखा वो बेवकूफ़ है, और ये 10-12 बंदे हैं जो अपना दिमाग लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे देने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पास ही दिमाग है। वो एक अपने मारवाड़ी में कुआवत है कि मूर्ख इंसान को अकल नहीं देनी, टक्का दे देना, यानी ये पैसा ले तू मेरा पीछा छोड़िए, हमारे राजस्थानी में कुआवत है, ये यहाँ पे लागू होती है। इस पर अपन चर्चा करेंगे साथियों, कुछ कमेंट आए हैं लोगों के, आंसर दूंगा, उसके बाद में मैं सबूत के साथ आगे बात करूंगा। एक बंदा है, कब का विजिट वीज़ा एक्सटेंड हुए हैं, सब फेक मत बनाओ, बोला करो, न्यूज़ पढ़ा कर लिया करो, मतलब ऐसे बातें कुछ लिख रखी हैं इसने। दूसरा फिल्मी स्टेशन बोलता है आप बातें, वहाँ सरकार फिर अनाउंसमेंट करेगी है कि ना, मतलब कुछ ऐसा ही है। अरे साले फेकू, साला दुबई में ही हूँ आदमी, 50% यानी ये बोलता है कि 50% मैं फेक हूँ। इस वीडियो में मैंने वीडियो डाला था क्या दुबई यूएई वीज़ा वर्क परमिट वीज़ा बंद कर सकती है, दुबई गवर्नमेंट की धमकी, यूएई गवर्नमेंट की धमकी, मैंने इसमें बताया। आगे एक ये बंदा बोलता है, दूसरा मोहम्मद फरीद, अबे चुप मोहम्मद फरीद वो। आगे दूसरा एक बंदा हो रहा है, ये बोलता है क्यों फेंक रहे हो। एक है विकास करसनिया जी, बोलते हैं गलत न्यूज़ मत फैलाया करो, हम दुबई में रहते हैं, दुबई में जिनका वीज़ा ख़त्म हो गया उनका वीज़ा दिसंबर तक रिन्यू कर दिया गया है, और रही बात लेबर की तो दुबई में बिल्डिंग लाइन का काम चालू है। अब इस इंसान को कौन समझाए कि मैंने जो वीडियो डाला वो 12 अप्रैल का था, ठीक है, उसका मैं एविडेंस साथ में दे रहा हूँ कि वहाँ की गवर्नमेंट के जो अखबार में जो न्यूज़ है उसकी एडिंग कर रहा हूँ। 12 अप्रैल को ही दुबई गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि जो देश हमारे अभी इसी के हालात में अपने वर्करों को वापस नहीं बुलाएंगे उसके साथ भविष्य में हम सख्ती से पेश आएंगे, उसका कोटा कम कर देंगे या वीज़ा रिजेक्ट करेंगे, ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने 12 अप्रैल की न्यूज़ है, जबकि ये बंदा आज 16 अप्रैल को ये मैसेज कर रहा है। अभी लोगों के इतना दिमाग तो है नहीं, ये अनपढ़ कैटेगरी के लोग हैं कि ये मतलब ये हो गया कि ये वीडियो अगर एक महीने बाद देखेंगे तो भी ये कमेंट करेंगे। अब इनको ये नहीं पता यार, ये वीडियो कहता है अभी के जो हालात ये हैं कि हर पर डे गवर्नमेंट के नियम चेंज हो रहे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, हर पर डे गवर्नमेंट कुछ नियम चेंज करके आ रही है, तो वो फिर वो ज्ञान देखने बढ़ जाते हैं कि ये वीडियो कब का है, जो गवर्नमेंट ने आज रूल निकाला वो कब का है, इनको समझ में नहीं आता। जब भी सुबह बोलते हैं फेक न्यूज़ बोल रहा है, व्यूज़ लेने के चक्कर में इंडिया मीडिया फेकू बन चुका है, अगर ये भी फेक न्यूज़ करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। आगे संजय कुमार बोलता है तुम चूतिया मत बनाओ। अरसा वेडिंग बोल रहा है अभी भी चालू है, झूठ बोल रहा है साला। अब देखिए इनकी लैंग्वेज, या तो भाई देखिए ये जो जितने भी कमेंट हैं मैं स्क्रीनशॉट में साथ में अटैच कर दूंगा, आप पढ़ना इन चीज़ों को कि इनकी बुद्धि देखिए कितनी। हो सकता है अपने घर में भी अपने माँ बाप को अगर इनके विचार मैच नहीं होते हैं, हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि एक घर में 10 मेंबर होते हैं सबका माइंड एक जैसा हो, सबका अलग अलग होता है, हो सकता है ये 10 आदमी महान विद्वान हैं जो 17,000 लोगों ने वीडियो देखा उनको फेल कर रहे हैं, तो हो सकता है अपने माँ बाप अपने भाई बहन के साथ भी इसी तरह से पेश आते होंगे, लेकिन भाई मैं एजेंट नहीं हूँ,
मैं हर चीज़ एविडेंस के साथ में बोलता हूँ, ये नहीं कि किधर से भी न्यूज़ आई वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करता मैं। आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि ये वीडियो कौन सी डेट का है। मैंने वीडियो बनाया था 12 अप्रैल का, मैं एविडेंस दे रहा हूँ 12 अप्रैल की तारीख को गवर्नमेंट ने बाकायदा अनाउंस किया है कि जो गवर्नमेंट हमारे अभी यहाँ से बंदे नहीं लेके जाएगी उनके साथ हम भविष्य में सख्ती से पेश आएंगे, या तो उनका वीज़ा वर्क परमिट कोटा कैंसिल करेंगे या फिर उनका कोटे से के हिसाब से वीज़ा देंगे। ये 100% फैक्ट न्यूज़ है, लेकिन उसको आप गलत बता रहे हो। और आप जो बोल रहे हो ना कि गवर्नमेंट ने तो वीज़ा एक्सटेंड कर दिया 31 दिसंबर तक के लिए, तो मूर्ख इंसान, वो तो आज किया ना, 15 अप्रैल को किया है, उसका भी एविडेंस है मेरे पास। मैंने वीडियो डाला 12 अप्रैल की, गवर्नमेंट की वो घोषणा थी जिसमें उसने वो बोला था। आज 15 अप्रैल की घोषणा ये है कि जो यूएई में है या फिर जिन्होंने वीज़ा लिया है उनके लिए खुशखबरी ये थी कि अभी उनका 31 दिसंबर तक उसी वीज़ा में उनका एक्सटेंड हो जाएगा वीज़ा, कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई इलीगल नहीं होगा, कोई उनका जुर्माना नहीं लगेगा, ये बेस्ट न्यूज़ है। लेकिन थोड़ा बहुत अपने अकल के दुश्मन, थोड़ा बहुत दिमाग तो इस्तेमाल किया करो कि वीडियो कौन सी डेट का था, आज कौन सी डेट है, आज गवर्नमेंट ने, आज हो सकता है अप्रैल में 15 अप्रैल की ये न्यूज़ है तो 16 अप्रैल की क्या पता गवर्नमेंट क्या न्यूज़ दे दे, फिर अगले को दोष दोगे। लेकिन यूट्यूब की ने भी गलती ये कर रखी है कि कमेंट बॉक्स छोड़ रखा है, कमेंट में लोग, अब आप टीवी भी देखे होंगे, अखबार भी देखे होंगे, उसमें भी ये न्यूज़ आई है, लेकिन वहाँ आपके बस में नहीं होता कि आप कमेंट नहीं कर सकते, अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते, अपना माइंड का जो ओछापन है ना वो लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि ओछापन बंदा कैसे होता है, एक घर में 10 मेंबर होते हैं, 9 अच्छे होते हैं, एक बुरा भी निकल जाता है, तो आप वही लोग हो। 16-17 हज़ार लोगों में 1200 लोगों ने लाइक किया है, 50 लोगों ने अनलाइक किया है, उसमें से 10-15 लोग आप वही हो जो अच्छी मानसिकता के हो, कम पढ़े लिखे होने की वजह से आपके माइंड है ना ये काम नहीं करता आपका, आपको ये नहीं पता होता कि इसमें लिखा क्या गया, अपन गौर से देखें कि नहीं देखें, आपको कोई मतलब नहीं होता। मैं हर चीज़ का एविडेंस लेके बैठा हूँ भाई, 12 अप्रैल का भी एविडेंस दे रहा हूँ और आज की गवर्नमेंट का है वो भी एविडेंस दे रहा हूँ, बिना एविडेंस में बात नहीं करता। लेकिन थोड़ा बहुत शर्म कर लिया करो, दूसरे पे दोष देने से पहले खुद पे कोशिश कर लो कि अपन जो वर्ड लिख रहे हैं वो सही हैं गलत हैं। बस आज की न्यूज़ यही थी साथियों, क्योंकि मुझे बोलना ज़रूरी था यार। अभी आपको पता है रात के क्या टाइम हो रहा है, आपको मैं दिखा दूँ, ये मोबाइल देख लो आप, अभी देखो रात के 1 बज रहे हैं, इसमें आप आराम से सो रहे होंगे, सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा, आप ज़रूर से देखिएगा। रात काली करनी पड़ती है भाई, रात काली करनी पड़ती है तब जाके ये वीकेंड जॉब वगैरह या फिर ये एविडेंस वगैरह ये जानकारी वगैरह कलेक्ट करके फिर रात को वीडियो बनाना पड़ता है, पूरा दिन लग जाता है। एक भी एजेंट ऐसा बता दो कि जिसका जो दुबई का वीडियो डालता है वो दुबई का ही डालेगा, दूसरी कंट्री का नहीं डालता। मैं 50 कंट्रियों के वीडियो डालता हूँ, पता है आपको 50 कंट्रियों की जानकारी कलेक्ट करना कितना आसान काम होता है क्या? आप दुबई में रह रहे हो फिर भी आपको दुबई का नहीं पता कि हकीकत का माजरा क्या है, और बात ज्ञान बांटते हो इतने बड़े बड़े मुँह पे, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो यार। आपको ये नहीं पता कि सामने वाला बंदा बोल क्या रहा है, उसके कम से कम दिमाग नहीं है तो अगले की सुन लो, किसी से पूछ लो, भगवान ने दिमाग जितना दिया उतना इस्तेमाल करो ना, एक्स्ट्रा बढ़ने की क्यों कोशिश कर रहे हो आप? 17 हज़ार लोगों को आप मुंह पे तमाचा मार रहे हो अपने कमेंट करके, यानी 17 हज़ार लोगों ने देखा, 1200 लोगों ने लाइक किया और है ना, उसमें से बहुत सारे लोगों ने अच्छे कमेंट किए, उन सबको आपने लात मार के अपने 10 लोगों ने अपनी औकात दिखा दी कि हमारी औकात ये है, हमारी सोच ये है, हम ऐसा ही रहेंगे और आगे भविष्य में ऐसे ही करेंगे, हमारे माँ बाप के साथ भी हमारे विचार नहीं बनेंगे तो हम भी उनके साथ ऐसे ही इसी तरह से पेश आएंगे। बाप को भी बोलो ना मादर चोत चूतिया, या सिस्टर को बोल के दिखाओ ना, मुँह पर शर्म तो आप लोगों की है नहीं। बस साथियों आज का जानकारी यही थी दुबई से लिए कि भाई आपके जो भी वीज़ा, ये वीज़ा की बता दूं 1 मार्च से बता रहा हूं मैं, 1 मार्च तक के बाद में जो वीज़ा आपके एक्सपायर होने हैं, ये भी इसमें भी कफला है, आप लोगों को ये नहीं पता कि कब तक के वीज़ा, 1 मार्च के बाद में जो वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, चाहे वर्क परमिट वीज़ा हो, चाहे इमरेट्स आईडी हो, चाहे विजिट वीज़ा हो, कोई भी हो, वो एक्सटेंड हो जाएगा 31 दिसंबर तक, उससे पहले जो एक्सपायर हो गए वो काम नहीं आने वाले, उसका आपका जो भी प्रोसेस है पहले वाले प्रोसेस के हिसाब से ही चलने वाला है। तो आज की न्यूज़ यही थी साथियों, मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगेगी वीडियो, लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि रोज़ आपको दुबई से रिलेटेड अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे।